हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई की दुनिया। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ओरियो की मिठाई। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी इसकी मिठाई। इसके पैकेट को हम ओपन कर लेंगे और इसके सारे बिस्किट बाहर निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इस तरह देखिए, मैं बाहर निकाल के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। एक जार लेंगे और इसमें हम सारे टुकड़ों को डाल देंगे और इसका महीन पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छा पाउडर तैयार हो गया है। तो इसे हम वापस बोल में पलट लेंगे। आप देख सकते हैं पाउडर काफ़ी अच्छा बारीक हो गया है। तो हम इसमें आधा कप कंडेंस्ड मिल्क मिलाएंगे। मिल्क मेड जो होता है उसको हम इसमें आधा कप मिला देंगे। ये काफ़ी गाढ़ा और मीठा होता है। इसके बाद आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिस्किट भी मीठे होते हैं। इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो बीच बीच में हम थोड़े से कंडेंस मिल्क और मिला देंगे। अपने हाथों की हेल्प से अच्छा सा डो तैयार करेंगे। और मेरे पास कोई कंटेनर रेक्टेंगल इस तरह का नहीं था, तो मैंने ये मिठाई का डब्बा लिया है। आपके पास जो कुछ हो आप उसमें ले सकते हैं। और इस डब्बे में हम डो को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अच्छी तरह से सेट करने के बाद हमें इसमें एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए, जब तक आपका ये सेट ना हो जाए, फ्रिज में रखेंगे। स्पैटुला की हेल्प लेंगे या फिर नाइफ से, जैसे भी हो सेट कर देंगे हम इसे। अब दो घंटे हो गए हैं, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे नाइफ की सहायता से इक्वल पीसेस में कट करेंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही है। तो इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे, दूसरे साइड से भी कट कर लेंगे, इवन पीसेस कट करेंगे और एक्स्ट्रा जो होगा उसे हम निकाल देंगे ताकि बर्फ़ी एक जैसी लगे। ये देखिए, जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे इवन पीस के लिए। इस तरह आप मिठाई ज़रूर बनाइएगा। ये बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आती है और बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। कोई पकड़ नहीं पाएगा कि आपने बिस्किट से बनाए हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह प्लेट में आप सजा लेंगे। तो आप भी अपनी दिवाली बनाइए इस ओरियो बिस्किट की मिठाई के साथ। झटपट बनने वाली और बहुत ही टेस्टी लगने वाली, खासकर बच्चों को बहुत पसंद आने वाली मिठाई। अभी हम इसमें पिस्ते के टुकड़े लगा देंगे। आप चाहें तो बादाम के टुकड़े लगा सकते हैं या फिर काजू के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मिठाई पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मिठाई ट्राई किया या नहीं। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।